नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीयूष, आप देख रहे क्वेश्चन आर भारत। सॉरी थोड़ी तबियत खराब थी, कुछ दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था। अभी थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा एक लेटेस्ट इश्यूज के साथ आपके सामने आते हैं। इस न्यूज के हिसाब से नमाज ऑफ बकरीद परफॉर्म्ड इन बद्रीनाथ इवन एज चार धाम यात्रा रिमेन्स बैन। जहाँ चारधाम यात्रा भी बंद है, बैन किया गया है, लेकिन वहाँ पे नमाज परफॉर्म की जा रही है, वो भी बकरीद वाले दिन। Seriously, what the fuck are you doing? तो इस पे जरा क्लेरिफिकेशन आया है वहाँ की लोकल अथॉरिटीज से, वहाँ की पुलिस से, कि ये पूरी सही घटना नहीं है। वहाँ पे जो पार्किंग बन रही है, वहाँ के जो लेबर हैं उस कंस्ट्रक्टर के, वो कुछ मुसलमान जो हैं 10-15, उन्होंने क्योंकि उनका फेस्टिवल आ गया था तो उन्होंने परफॉर्म कर ली, ईद वाली जो भी नमाज थी वो कर ली। तो चलिए ये तो एक अलग तथ्य हो गया, ठीक है। अब भरी कितना एक्सेप्टेबल है कितना अनएक्सेप्टेबल है, ये दूसरी डिबेट का मैटर है। क्योंकि अगर इसी सिक्के का दूसरा पहलू अगर आप देखते, सिचुएशन बिल्कुल ड्रास्टिकली डिफरेंट होती कि मक्का मदीना के पास कोई हनुमान चालीसा पढ़ देता, शिव तांडव पढ़ देता, या फिर विष्णु सहस्त्रनाम कुछ भी पढ़ देता, या फिर होली दिवाली कुछ मना लेता। बिल्कुल बिल्कुल नियर, मतलब बिल्कुल जितना क्लोज हो सके, जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। भले यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन वहाँ पे अगर है, वहाँ पे तो है ना प्रॉपर, लेकिन उसकी रिस्ट्रिक्शन पे किसी को कोई आपत्ति नहीं। कि हम अगर लगाते हैं कि हमारे भी स्पिरिचुअल प्लेसेस के आसपास रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, नॉन हिंदूज नहीं आने चाहिए, तो उसमें इशू हो जाएगा, नेशनल इशू, इंटरनेशनल इशू। खैर, तो अगर ऐसा कोई कर देता तो पूरे देश में आग लग जाती, सेकुलरिज्म भारत का खतरे में पड़ जाता, सब कुछ तमाम तार तार हो जाता। कि अगर किसी मक्का मस्जिद जैसी जगहों के आसपास अगर कोई ऐसा क्यों कर दिया, हिंदू ने ऐसा क्यों कर दिया वगैरह वगैरह, और अगर उस देश में किया होता तो जेल वेल पकड़, मतलब मैं कह रहा हूँ अगर वो जगह भारत में होती है ऐसा होता तो तमाम टंटे शुरू हो चुके होते। खैर, इस आर्टिकल में एक वीडियो डाली गई है, आप इस आर्टिकल पे जाके देख सकते हैं, वो वीडियो मैं नहीं चलाऊंगा। वहाँ पे एक मुल्ला कह रहा है कि बद्रीनाथ असल में एक मजार है, कुछ बद्रुद्दीन शाह की कोई मजार है, वो मंदिर नहीं है, उसे वापस मजार बनाया जाए। पूरे कॉन्फिडेंस है, और कह रहा है अगर ऐसा नहीं हुआ, कुछ समय पहले की बात है, साढ़े दो साल पहले की बात है, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम मुसलमान जाएंगे, आंदोलन करेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे, तमाम तमाम धमकियां, ठीक है। अब दो लाइन में ही इस चीज़ को एक्सपोज किया जा सकता है। कोई भी बच्चा बच्चा और मुसलमान भी चाहे तो इस चीज़ को पाखंड को पकड़ सकता है, लेकिन वो नहीं पकड़ेगा एजेंडा। इस्लाम में मजार, पत्थर की कोई भी चीज़, बुत हराम है, ठीक है। इस्लाम में कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप बॉडी को दफना भी रहे हो तो ज़मीन से बराबर कर दो, उसके ऊपर कुछ पत्थर का नहीं बनाओगे, ठीक है। तो जिस तरीके से ताजमहल इनके यहाँ हराम हो सकता है कॉन्सेप्चुअली, इस्लामिक तरीके से, कि वहाँ भैया पत्थर की चीज़ें क्यों हैं, बुत क्यों बने हुए हैं, हराम है ना, उसी तरीके से इनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से जिसको ये सो कॉल्ड मजार बना के क्लेम कर रहे हैं वो भी हराम हो जाता है। लेकिन क्योंकि आपको एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी है, आपको एक कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा क्रिएट करना है, आपको फर्जी के क्लेम्स करने हैं, भड़काना है, तो आपको ये बता देना है कि बद्रीनाथ नहीं है, बद्रुद्दीन शाह का मजार है वो, पता नहीं कौन है वो, ठीक है। फिर इस वीडियो में इतना मैं चाहता हूँ कि आप अगर कोई मुसलमान देख रहा तो बताएं कि ये बद्रुद्दीन शाह वाली बात कितनी सच है कितनी गलत है, क्या मजार इस्लाम में एक्सेप्टेबल है, मतलब पत्थर की कोई चीज़ बुत परस्ती अलाउड नहीं है ना, एक पढ़ के अब इस्लाम, ठीक है। और क्या अगर तुम्हारी मस्जिद के अंदर या मस्जिद के आसपास, बिल्कुल आसपास, अगर कोई कुछ ऐसा कर रहा होता किसी भी पर्पज़ से, कोई नॉन मुस्लिम अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो कर रहा था, क्या तुम्हें एक्सेप्टेबल होता? कहने को कह भी सकते होता, लेकिन अगर हो रहा होगा तो तुम ही लोग सबसे पहले होगे जो काटने दौड़ोगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तुरंत आएगी, उसके लिए आप इंतजार करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। किसी भी तरह का सपोर्ट करना हो तो इधर दिख रहा सपोर्ट कर सकते हैं, UPI कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।